बैंक निफ्टी लास्ट फ्राइडे ओपन हुआ 41,516 पे एंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहा एंड 40,880 पे सपोर्ट लेके एक पुल बैक लिया एंड 41,130 पे क्लोज हो गया। तो अब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, एक रेंज में फंसा हुआ था, वहाँ से उसे वापस से उस रेंज को ब्रेकआउट दिया नीचे की ओर एंड आई थिंक ये एक पुल बैक हो सकता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक ले एंड वापस से वो नीचे आना स्टार्ट हो। ये पुल बैक ले सकता है कहाँ पे, अगर ये पुल बैक लेना होगा तो ये 41,250 के पास ये फिर से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है। बट अगर ये 41,250 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ऊपर इसके ब्रेकआउट देके एक रिटेस्ट करके ऊपर की ओर निकलता है, देन हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर रिकवरी करते हुए देख सकते हैं। अगर आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी भी वहाँ पे सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन था पुल बैक लेके जो ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया था वहीं पे फिर से वो रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो हो सकता है कि अगर ये ऊपर जाए तो उसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है एंड जो फ्राइडे को जो इसकी क्लोजिंग वो एक पुल बैक लेके इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे करता क्या, कहाँ पे ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता एंड फ्लैट ओपन होने के बाद ये 41,250 पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है, देन हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को नीचे आते हुए देख सकते हैं। बट अगर ये फ्लैट ओपन हो के 41,250 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन आप यहाँ पे कॉल को बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो टारगेट निकल के आता है वो फर्स्ट टारगेट आपका होगा 41,350 का एंड दूसरा टारगेट होगा 41,450 का, जो कि एक रेजिस्टेंस भी है। अगर 41,450 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर निकलता है, देन यहाँ पे इसका दूसरा रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो होगा 41,680 का। बट अगर बैंक निफ्टी यहीं पे फ्लैट ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट होता है, देन जैसे ही बैंक निफ्टी 41,100 को क्लोज करके नीचे क्लोजिंग देता है, देन आप यहाँ पे पुट करने का प्लान कर सकते हैं एंड आपका जो टारगेट होगा वो होगा 41,000 का एंड दूसरा टारगेट होगा 48,50 का, जो कि एक सपोर्ट भी है। अगर बैंक निफ्टी 40,850 को ब्रेक करके नीचे आता है, देन इसका दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा वो होगा 40,600 का। बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, देन उस कंडीशन में आपको यहाँ पे वेट करना है कहीं पे ये सपोर्ट ले या फिर रेजिस्टेंस ले, देन उसके बाद जो इसका मूव होगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।